तो हेलो गाइस, सब सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बिग बिलियन डे सेल में अगर आप मोटरोला का फ़ोन खरीदने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा देखो। सभी प्राइस रेंज में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा फ़ोन किस प्राइस रेंज में खरीदना सही रहेगा। तो यहाँ पर पहला जो फ़ोन मैं बताने वाला हूँ, मोटरोला G54 5G। तो ये वाला जो मोटरोला का जो फ़ोन है ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 12 GB रैम मिलता है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है और मीडिया टेक का डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी एक डिसेंट प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको ये वाला फ़ोन आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल में, अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो उस प्राइस रेंज में ये एक बहुत ही एक डिसेंट फ़ोन है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो है इसमें एक LCD डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। तो अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन पसंद है तो इसके साथ आप मत जाओ। और यहाँ पर आपको 50 MP का OIS कैमरा मिलता है और यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी भी मिलता है। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप देखा जाए तो UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। तो एक ही कमी मुझे इसमें लगा है, वो है इसमें एक LCD डिस्प्ले है। बाकी सब डिपार्टमेंट में ये बहुत ही एक डिसेंट फ़ोन है। तो ये अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 15,000। दूसरा जो फ़ोन मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है मोटरोला एज 40 नियो। तो ये फ़ोन अगर आपको 20,000 के अंदर मिलता है तो ये फ़ोन आप आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ही एक बैलेंस्ड फ़ोन है। क्योंकि यहाँ पर आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट मिलता है, 144 Hz का 10 bit का POLED पैनल मिलता है और यहाँ पर देखा जाए तो 50 MP प्लस 13 MP का ड्यूअल कैमरा मिलता है, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है। फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा मिलता है और यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। और यहाँ पर प्रोसेसर देखा जाए तो वो भी एक डिसेंट प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर। और यहाँ पर स्टोरेज और रैम के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 12 GB का रैम मिलता है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 20,000। तो ये 20,000 में आपको मिलता है तो ये फ़ोन के साथ आप गारंटी से जा सकते हो। अब दूसरा जो फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ, मोटरोला एज 40। तो ये फ़ोन अगर आपका बजट है 30,000 या 26,000 तो ये फ़ोन के साथ आप जा सकते हो। क्यों मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको POLED डिस्प्ले मिलता है तो और यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी एक डिसेंट प्रोसेसर है, आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टोरेज दिया गया है वो है 256 GB स्टोरेज और यहाँ पर 8 GB का रैम मिलता है। और यहाँ पर कैमरा का बारे में बात किया जाए तो 50 MP और 13 MP का रियर कैमरा मिलता है विथ OIS और यहाँ पर फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो एक डिसेंट कैमरा ही मैं कहूँगा, उतना खास कैमरा मैं इसका नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर ये फ़ोन भी आप कंसिडर कर सकते हो, मोटरोला एज 40। ये थे कुछ मोटरोला का फ़ोन्स मैंने रेकमेंड किया वाला। तो इनमें से कोई भी एक फ़ोन आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपका पैसा बर्बाद नहीं होने वाला है, तो इनमें से कोई भी एक फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।